नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। क्या घोषित चुनाव जानबूझकर ओपी राजभर ने बीजेपी को हरा दिया? ओपी राजभर ने ईवीएम का जिक्र क्यों किया? और इतना ही नहीं, चलिए ओपी राजभर ने तो आरोप तो लगाया, इसके साथ साथ लोग क्यों कह रहे हैं कि घोषित चुनाव जो बीजेपी हारी है उसका जिम्मेदार दारा सिंह चौहान नहीं है, उसका जिम्मेदार ओपी राजभर है, ये कोई और नहीं। ये दरअसल जो है सुधाकर सिंह खुद कह रहे हैं, प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने खुद जीत दर्ज की है। अब वो खुद बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, दरअसल जो तारीफ की है, जो दरअसल मदद किया है, वो तो ओपी राजभर ने किया है। यकीन नहीं हो रहा, खुद सुन लीजिए आप। उसे आप विजय हुए हैं, क्या कहेंगे? घोसी विधानसभा और मऊ जनपद के सारे दलों को, जनपदवासियों को, विधानसभा के जितने मतदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी सुबह से नहीं दिखे यहाँ पर, क्या लगता है? बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सुबह से नहीं दिखे, क्या लगता है? दारा चौहान हमारे मित्र है ना, वो आपको घर देके चले गए पहले ही। अच्छा, आप पहले से ही कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं? ये नहीं, सारी जनता के समर्थन था, पार्टी के सवाल ही नहीं कोई है, सारी जनता जब साथ है उसमें पार्टी कहां से पैदा हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि तारा से, अरे ओम प्रकाश राजभर का जादू नहीं चला? ओम प्रकाश नेता है, उनका भी अंदर से हमारा ही सपोर्ट था। आप अंदर भेज दिया उनको? हम क्या होते हैं भेजने वाले? यहाँ की जनता जिसको चाहे भेजते हैं वापस कर, हम क्या है? आप जीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल सामने आ रहा है कि आपके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिससे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उससे क्या कहेंगे आप? नेता के ऊपर मुकदमा, पुलिस का नेता का कितना गहरा संबंध होता है? मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो पुलिस का कोई मतलब है, नेता का कोई मतलब है? जीत का श्रेय किसको देंगे? जनता को। कितने वोटों से जीते हैं? कितने वोटों से जीत हुई आपकी? 42,672। सारे दलों का मुझको समर्थन था, पूरी जनता हमारे साथ थी, दल का कहां सवाल पैदा होता है? दो डिप्टी सीएम, 26 मंत्री और 60 विधायक यहां मौजूद थे, कैंप किए हुए थे, सब हमारे मित्र थे, सब हमारे साथ विधायक रहे, सब हमारी मदद करने आए थे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर पे क्या कहेंगे? वो भी हमारी मदद किए हैं। मदद किया उन्होंने? अभी आप सुधाकर सिंह को सुन रहे थे, कल यही ओपी राजभर कल कह रहे थे कि ईवीएम का रोना विपक्ष नहीं रो रहा है, हार का ठिकरा दरअसल निषाद और तमाम लोग जो है दारा सिंह चौहान को ठिकरा फोड़ दिया। लेकिन आज तो एक नया खुलासा हो गया, खुद सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर ओपी राजभर मेरी मदद कर रहे थे। भैया, इसका मतलब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं खेला हो रहा है, इसका मतलब इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, इसका मतलब हम सबको समझने की ज़रूरत है। अब देखना पड़ेगा दर्शकों कि आखिर सुधाकर सिंह जो खुलासा कर रहे हैं ओपी राजभर को लेकर, क्या बीजेपी उनका साथ छोड़ देगी? क्या बीजेपी उन्हें निकाल देगी? क्योंकि उनके साथ है, एनडीए के साथ है। मैं समझ सकता हूं 24 का चुनाव है, मजबूरी है, लेकिन जो खुलासा सुधाकर सिंह कर रहे हैं ये इतना छोटा भी नहीं है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।